बिना आधार का शोपीस आइटम है घर में सजाने के हिसाब से। क्या लाजवाब, सुपर। इसको आप दीवार पे टंगाओगे, एक नंबर। वाओ सुपर, एक नंबर। देखिए कारीगरी इतनी शानदार है, ये खराब कभी भी नहीं होती। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आदित्य हैंडीक्राफ्ट पुष्कर, और मैं हूं आपका पुष्कर का तलवार मास्टर, फिर से आपके सामने एक बार फिर नए कलेक्शन के साथ। इस बार भी कलेक्शन अच्छा कलेक्शन के साथ, क्योंकि जब भी तलवार मास्टर आता है नए कलेक्शन के साथ ही आता है, बार बार वही आइटम दिखाने के लिए तलवार मास्टर नहीं आता है। इस बार भी मैं लेके आया हूँ सबसे हटके चीज़ें, सबसे हटके यानी कि शादियों के हिसाब से, शादियों के हिसाब से मैंने जो अभी कटारे मंगवाई है सबसे हटके, अभी तक मैंने कोई से भी चैनल पर वो नहीं दिखाई है, और ना ही आपने वो कटारे वो देखी होंगी। आपने पूरा मेटल के अंदर बनी हुई होगी, और क्या सुंदर कटारे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि शादियों के सीजन चालू होने वाले हैं, तो शादियों के सीजन के हिसाब से ये कटारों का अभी मैं पूरा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है, इसके बीच में आप काट के ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि मैं पूरी एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो आपका तलवार मास्टर यानी कि पुष्कर के तलवार मास्टर को आगे बढ़ने की दी जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एक बात और कह रहा हूँ, जो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने तलवार मास्टर को ऐसे आगे निकालते जाएं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये वीडियो करता हूँ चालू। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितना भी आप जो आइटम देख रहे हो ये सब के सब बिना आधार का है, ये सिर्फ शोपीस आइटम है, कोई भी आइटम रियल नहीं है, ये शोपीस है घर में सजाने के हिसाब से। अगर आप इस आइटम से प्याज भी काटोगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, बिना आधार का शोपीस आइटम है घर में सजाने के हिसाब से, शादी पार्टी के हिसाब से, दूल्हे के लिए, अपने मंदिर के लिए, ये है बिना आधार का शोपीस आइटम। कोई भी आइटम मेरी दुकान पे धारदार हथियार नहीं है, ये सब बिना आधार का शोपीस आइटम है। तो अब करते हैं कटारों की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको ये कटार दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी कटार की लुकिंग देखिए आप, पूरा के पूरा मेटल के अंदर है, पूरा मेटल है ये, और इसके अंदर ये चेन दी गई है, डिज़ाइन दी गई है लाजवाब, आप शादी में लगा सकते हो। और इसका जो हैंडल है बीच में फिंगर का डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे रिबन लगाई है लाल कलर की, और ये मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए क्या लाजवाब, सुपर, सबसे बेस्ट। इसका ये देखिए आपके ब्लेड के ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, सुपर डिज़ाइन, एक नंबर। कवर के ऊपर भी डिज़ाइन है, मेटल के कवर के ऊपर भी डिज़ाइन है, कवर बिल्कुल सिंपल नहीं दिया गया है, पूरा डिज़ाइन दिया गया है, आप नज़दीक से इसको देख सकते हो। और ये देखिए वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि धारदार कोई भी आइटम नहीं है, ये सब बिना धार का आइटम है, और सुपर पीस है। इसको पहन के आप महाराजा बन सकते हो, यानी कि दूल्हे राजा, आप हजारों रुपए की शेरवानी बनवाते हो और टूटी फूटी कटार वगैरह लगाते हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आप ये कटार लीजिए, शानदार पीस है, शानदार लुक, महाराजा। अब नेक्स्ट यानी कि दूसरे नंबर का दिखाता हूँ आइटम मैं आपको। तो दोस्तों मैं आप दूसरे नंबर की कटार आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो भी कटार पूरे के पूरे मेटल के अंदर, नया डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी भी चैनल पे दिखाई नहीं गई, मैं ही दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट लुक। क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर कटारों के बारे में नया कलेक्शन नहीं आता, वही पुरानी टाइप की कटारें होती हैं, लेकिन मैं इस बार लेकर आया हूँ नई तरीके की कटार। ये देखिए पूरा के पूरा डिज़ाइन, ये भी पूरा का पूरा जो कवर देख रहे हो हैवी मेटल के अंदर है, इसका वेट करीब 250 ग्राम, सुपर हैंडल है मेटल का, और पूरी इसका जो ये देखिए क्या साउंड है, और ये देखिए वाह क्या कटार है, देखिए डिजाइन देखिए इसका, लाजवाब हैंडल है, जैसे कोई ड्रैगन होता है उस टाइप का, जोरासिक पार्क का ये सब लुक है इसका पूरा। और ये भी वही बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, ये भी बिना आधार का आइटम, किसी भी आइटम पर धार नहीं है, ये मेटल के अंदर है,
पूरे डिजाइन दिए गए हैं नज़दीक से। इस पर भी देखिए, जैसे कोई खोपियाँ हैं इंसानों की, उस तरीके का डिज़ाइन दिए गए, और पूरा मेटल है, बीच में से होल दिया है पूरा, और हेवी मेटल का है। सुपर, एक नंबर, लाजवाब। तो अब दिखाते हैं आपको थर्ड नंबर। तो दोस्तों, अब यह है थर्ड नंबर की कटार। थर्ड नंबर की कटार का साइज थोड़ा बड़ा है, और इसका जो डिजाइन है वो भी लाजवाब है, उसके ऊपर कारीगरी थोड़ी ज्यादा है। देखिए, इसके ऊपर नीले कलर का यहाँ पे मोती दिया गया है, पूरा मेटल का इसका क्लिप है यहाँ से यहाँ तक का, और इस पर भी एक चेन दी गई है, और पूरा हैंडल इसका मेटल का है। इसका भी वजन करीब सर 200 ग्राम से भी भार है, और बारीक डिज़ाइन है इसके हैंडल के ऊपर भी, आप देख पाएंगे बारीक डिज़ाइन है पूरा। यहाँ पे भी क्लिप के अंदर भी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, और वाओ सुपर, एक नंबर। देखिए, आपको पीछे से मैं दिखाऊं तो इसके ऊपर भी डिज़ाइन दी गई है, देखिए, और वही बात है, इस पर भी धार नहीं है, ये भी बिना धार का है। पुष्कर का तलवार मास्टर जितना भी आइटम ये बेचता है, सब के सब बिना धार का पीस है, किसी भी आइटम पर आपको ये धार नहीं मिलेगी। ये सारा के सारा, ये कटार का मैं आपको कलेक्शन दिखा रहा हूँ, ये सब के सब, और ये सब के सब, सब बिना धार का। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौथे नंबर का पीस, वो भी क्या शानदार पीस है सर। तो आपको मैं दिखाता हूँ चौथे नंबर का पीस, ये है हाथी के डिज़ाइन का, यानी एलिफेंट, उसका पूरा लुक दिया गया है। देखिए, हाथी का यहाँ पे दिया है डिज़ाइन, इसके दो दांत पूरा यहाँ पे चित्र है उसके सिर का, और यहाँ पे शिकार करते हुए के डिज़ाइन है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्लिप ये हो गया सर, एक क्लिप ये, यहाँ पे भी क्लिप है, और यहाँ पे भी हाथी के डिज़ाइन का क्लिप है। ये इसकी रिबिन है, ये सूंड है इसका, यहाँ पे दो दांत है, पूरा मेटल का है, और इसका भी क्या लुक है, देखिए लाजवाब। कटार का लुक अभी तक किसी के पास ऐसा नहीं है जैसा मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए। इसके ऊपर भी डिज़ाइन दी गई है, हर ब्लेड के ऊपर कारीगरी है, कारीगरी इतनी शानदार है, ये ख़राब कभी भी नहीं होती है लाइफ टाइम तक। ये देखिए, उसके बाद मैं आपको कटार दिखाऊंगा, एलिफेंट की तो हो गई, अब इसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ घोड़े के डिज़ाइन। आप भी सोच रहे होंगे कि पुष्कर के तलवार मास्टर कुछ अलग अलग डिज़ाइन में कटारे दिखा रहे हैं, कभी एलिफेंट में, कभी ड्रैगन डिज़ाइन में, कभी इसमें। तो इस बार मैं आपको हॉर्स, यानी इंग्लिश नेम हॉर्स, उसके ऊपर कटार देखिए आप, वाओ। इसके ऊपर भी क्या चेन दी गई है, ये देखिए लाजवाब। इसको आप दीवार पे टंगाओगे, एक नंबर। एक तरफ आप 10,000 का आइटम लगा दो, एक तरफ ये कटार लगा दो, क्या लाजवाब इसका लुक है। ये देखिए, ये देखिए क्या लुक है इसका, शानदार। पूरे मेटल के अंदर है ये भी, ये जितना भी पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ सब मेटल के अंदर है। यहाँ से इसका हॉर्स का मुँह है, इस तरीके का हॉर्स है, ये भी क्लिप है, ये भी क्लिप है, ये क्लिप जो बना हुआ है ये तांबे का है, कॉपर, और इसका जो हैंडल के आगे जो क्लिप दिया गया है पूरा घोड़े का है। देखिए नज़दीक से, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है। उसके बाद में इस घोड़े का डिज़ाइन का ही हैंडल दिया गया है, ये देखिए आप नज़दीक से, सुपर। एक एक चीज़ को बारीकाई से दिखाया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ठोक दिया गया है, ऐसा नहीं, पूरा बारीकाई से आप इसको डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके बाल का जो लुक है वो भी आपको नज़दीक से देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए एक नंबर, ये देखिए सुपर डिज़ाइन है, और ये इसको आप चाहो तो किसी भी टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं, या फिर हमने डाइनिंग टेबल जो होता है लंच खाना खाने का, उसके पास भी इसको रख सकते हो, फ्रूट की टोकरी के पास, एक नंबर लुक। शादी के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो शेरवानी के साथ, सुपर पीस। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ छठे नंबर की कटार। छठे नंबर की कटार भी एक नंबर है, देखिए यह है छठे नंबर की कटार। इसके अंदर भी, यानी हॉर्स यानी कि घोड़े का ये मुँह है,
इसमें जैसे उस तरीके के कटार का ये दिया है, तीन चार जगह घोड़ा इस जगह, इसमें एक दिया है हैंडल के पास, ये भी कॉपर का है, और इसके भी क्लिप दिए गए हैं दो, एक क्लिप यहाँ है इसी तरीके का। और क्या सुपर पीस है ये, जितना भी आप पीस देख रहे हो मेरे पास, ये सब के सब बिना धार का आइटम है, किसी भी आइटम पर धार नहीं है। ये आप घर पे वॉलिंग यानी दीवार पे सजा सकते हो, हथियार नहीं है ये शोपीस आइटम है, सजाने के हिसाब से काम में आती है और लाजवाब डिज़ाइन होती है सर इसकी। और उसके बाद में मैं आपको कटार दिखा रहा हूँ, जैसे कहते हैं हाथी के दांत, वाइट कलर का पूरा, वो भी है हमारे पास, ये देखिए लाजवाब छोटा पीस है, सुपर एक नंबर। यहाँ पे इसके बाज का मुंह दिया है और पूरा मेटल के अंदर आगे पीछे सींग का इसका बीच में डिज़ाइन है। इसमें दो तरीके की आती है कटारे, एक में प्लास्टिक भी लगी हुई आती है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये दांत है, इसका साउंड आप सुन पा रहे होंगे, ये सींग का बना हुआ है। और ये देखिए एक नंबर इसकी लुक है, छोटा पीस है, आप शादी में इसको रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं एक जोरदार चीज, या अभी तक आपने नहीं देखी होगी, छोटी सी कटार, इसको तलवार का लुक दिया गया है, पूरे को, पूरे कवर को तलवार का लुक दिया गया है, और छोटा पीस है, हैंडल को तलवार का लुक, और वह इसका जो है बाहर का जो कवर है पूरा मेटल का है, अंदर से पूरा स्टील है, इस पर भी धार नहीं है। इस तलवार को आपने देखी होगी, इसको सलूट शॉट कहते हैं, जैसे आर्मी के जो लोग होते हैं इसको सलूट शॉट होता है, उनके पास रहती है बड़ी साइज की, मैंने इसके बनवाई है छोटा साइज, क्योंकि शादियों में जो कटार का मैंने आप ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कटारों के बारे में वीडियो है, इसीलिए मैं आपको सबसे कटारों का ही वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीधी कटार, टेढ़ी कटारे का मैंने आपको इस पर एक तरफ धार होती है, धार का डिज़ाइन होता है वो दिखाया मैंने आपको, अब दिखाने वाला हूँ जिसके दोनों तरफ धार का डिज़ाइन होता है, ये देखिए आपको मैं ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इसको मैं पहली बार दिखा, पहले भी दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, इस कटार को मैं पहली बार ही दिखा रहा हूँ आपको। जो पहले मैंने दिखाया था वो थाईलैंड की तलवार की छोटा साइज था, ये थाईलैंड वाला नहीं है, इसका डिज़ाइन अलग है, आप देखिए, ये थाईलैंड का डिज़ाइन नहीं है, और ये यानी कि मिंडा होता है, जो आपस में सिर भिड़ा के आपने देखा ही होगा इनकी कुश्ती कराई जाती है, उस तरीके का ये बना हुआ है डिज़ाइन, पूरा मेटल में है, कवर भी मेटल में है, इस पर भी एक चेन दी गई है लाजवाब, आप चाहो तो इसको दीवार पे टांगा सकते हो, सुपर पीस है एक नंबर। इस पर भी तीन तरीके के क्लिप दिए गए हैं, उन क्लिप के ऊपर भी बारीक बारीक डिज़ाइन दिए गए हैं, देखिए आप नजदीक से, बारीक बारीक लाजवाब इसके ऊपर डिज़ाइन है, पूरा मेटल के अंदर है, और कटार भी एक नंबर है। जो मैंने आपको बताया कि जैसे धार का डिज़ाइन है वो दो ही तरफ है, उन पे एक तरफ आता है, ये दोनों तरफ डिज़ाइन दिया है, पर इस पर भी धार नहीं है, क्योंकि कोई भी आइटम लेते हो तो बिना धार का ही है, ये सजाने के हिसाब से काम में आते हैं, घर में सजाने के हिसाब से, शादी के हिसाब से। तो दोस्तों ये था कटारों का, अगली जो वीडियो आएगी वो भी लाजवाब आएगी, और आपका पुष्कर का तलवार मास्टर, अभी आपने नया एक टीज़र देखा होगा, उसका नाम है जिगर ठंडा 2, उसके अंदर मैंने काम किया है, उसके हमशक्ल का एक्शन सीन किए हैं मैंने, तो वो टीज़र भी ख़तरनाक हुआ है, उसको भी काफ़ी लाइक और मिलियन से वो जा रहा है। तो आप ये तलवार मास्टर आ रहा है जिगर ठंडा में, आप तो वो मूवी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि राघव जी के साथ में हूँ मैं, उनके हमशक्ल के एक्शन सीन किए हैं मैंने, और अगली जो वीडियो आएगी वो भी जोरदार आएगी एक नंबर। मैं उस चीज़ पे कर रहा हूँ कि राजपूती तलवारों के ऊपर वो जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी जोरदार बनाने वाला हूँ, चांदी के वर्क के अंदर ये तलवारें होंगी, जो आप इसी वीडियो इसी चैनल पे देख सकोगे, यानी कि आदित्य हैंडीक्राफ्ट पुष्कर पर। तो ये वीडियो सर आपको अच्छी लगी हो तो फर्स्ट में भी मैंने आपसे कहा था और आखिरी में भी ये कह रहा हूँ
कि अच्छी लगी है तो लाइक लाइक लाइक, और जितने भी अपने दोस्त हैं उस पर शेयर करें। तो आप जितने ही लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, तो तलवार मास्टर हौसला होगा तो मैं अगली वीडियो के लिए तैयार होऊंगा, क्योंकि आपके लिए ही मनाता हूँ, क्योंकि माय यूट्यूब फैमिली में ये आपके लिए ही तलवारों का और जितने भी आइटमों का कलेक्शन लेके आता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ। तो अपने तलवार मास्टर को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है उसको क्लिक करें, क्योंकि क्लिक इसीलिए है क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सको। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ काफ़ी सालों से, और आप लाइक कर रहे हो तो आप नेक्स्ट अगर वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन है उसे दबाएं, बेल दबाएं और लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। अगली बार आऊँगा अच्छी कलेक्शन के साथ आऊँगा, तो इस बार अपने पुष्कर के तलवार मास्टर को दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छा अच्छा कलेक्शन लेके आ सकूँ। यस एंड गुड बाय।